अध्यक्ष जी, हमारे मंच पर मौजूद देश के वामपंथी संगठनों के नेतागण, हमारे पड़ोसी देश और कुछ अन्य देशों से आए हुए हमारे बीच में वामपंथी नेतागण, देश के कोने कोने से आए प्रतिनिधि, पर्यवेक्षक और अतिथि साथियों, पत्रकार मित्रों, पटना के प्रबुद्ध नागरिकों, पार्टी के इस 11वें महाधिवेशन में आप सबका स्वागत करते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है। इस महाधिवेशन में देश के 27 राज्य और केंद्र शासित इलाकों से 1700 के आसपास प्रतिनिधि और पर्यवेक्षक शिरकत कर रहे हैं और हमारी पार्टी इतिहास के अब तक का ये सबसे बड़ा महाधिवेशन है। इस महाधिवेशन के लिए हमने पटना का नाम रखा है विनोद मिश्रा नगर और जो सुकृष्ण मेमोरियल हॉल है इसका हमने नामकरण किया है कॉमरेड राम नरेश राम सभागार। हमारे दो महान नेता जिन्होंने सीपीआर नगर के निर्माण में और बिहार में पार्टी को विस्तार देने में बहुत बड़ा योगदान दिया, उन साथियों को हम याद कर रहे हैं। जो हमारे पार्टी महाधिवेशन का ये मंच है, पिछले 5 साल में 3-3 सेंट्रल कमेटी मेंबरों को हमने खो दिया है, हमारे वो प्रिय साथियों को, कॉमरेड नटराजन, कॉमरेड डीपी बख्शी, कॉमरेड बीबी पांडे, उन साथियों के नाम पर हमने इस मंच को डेडिकेट किया है। कल की रैली में हमने देखा और पूरे जब से महाधिवेशन की तैयारी शुरू हुई बिहार में कि पार्टी कतारों में तो उत्साह था ही, लेकिन बिहार के व्यापक प्रगतिशील जनमत की ओर से, तमाम संघर्षशील ताकतों की ओर से हमें भरपूर सहयोग मिला, जबरदस्त उत्साह मिला, समर्थन मिला और जिसकी झलक हमें कल रैली में देखने को मिली। और इसलिए सबसे पहले तहे दिल से बिहार की जनता का हम आज शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, आभार प्रकट करेंगे इस महाधिवेशन को सफलता दिलाने के लिए। हमारे बीच में देश के कई वामपंथी संगठनों की तरफ से साथी यहां मौजूद हैं, सीपीआईएम से कॉमरेड सलीम, सीपीआई से कॉमरेड पल्लव सेनगुप्ता, आरएसपी से कॉमरेड मनोज भट्टाचार्य, फॉरवर्ड ब्लॉक से कॉमरेड देवराजन, मार्क्सिस्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी से कॉमरेड अरूप चटर्जी, लाल निशान पार्टी महाराष्ट्र से कॉमरेड भीमराव मंसूर और आरएमपीआई के हमारे साथी कॉमरेड मंगतराम पासला, कॉमरेड किशोर धामले को भी आना था, 1700 कम्युनिस्ट पार्टी के नेता अभी तक पहुंच नहीं पाए, शायद कल पहुंचेंगे। इन तमाम साथियों की उपस्थिति से हमें इस पूरे महाधिवेशन में जबरदस्त हमारे अंदर भी उत्साह का संचार हुआ और योर प्रेजेंस मींस अ लॉट टू अस। और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में हमारे बीच में जो वामपंथी एकता की भावना है और आपस में जो सहयोग के रिश्ते हैं, ये भावना और ये रिश्ते और ज्यादा मजबूत होंगे, निश्चित तौर पर ये भरोसा हमारे अंदर है। हमारे बीच में अंतर्राष्ट्रीय प्रगतिशील आंदोलन की ओर से कुछ साथी हमारे बीच में मौजूद है, कॉमरेड ईश्वर पोखरेल जी नेपाल के हमारे सीपीएनयूएमएल के बहुत पुराने साथी, साथ साथ नेपाल के एक अन्य पार्टी के साथी भी आने वाले हैं, बांग्लादेश के रेवोल्यूशनरी वर्कर्स पार्टी और बासर बांग्लादेश के समाजतंत्री दल, उनके साथी भी मौजूद है, ऑस्ट्रेलिया से कॉमरेड सैम वेनराइट सोशलिस्ट अलायंस के कन्वेनर यहां मौजूद हैं,
हमारे बीच में और साथी आने वाले हैं वेनेजुएला से, कुछ अन्य देशों से। कुछ साथियों को वीजा नहीं मिल पाया और जिसके चलते श्रीलंका से, पाकिस्तान से, जर्मनी से जिन साथियों को आना था वो यहाँ नहीं पहुंच पाए, लेकिन बहुत सारे साथियों की तरफ से, बहुत सारे देशों से हमें एकजुटता संदेश मिल रहा है। तो दरअसल कल 17 तारीख को हमने एक अलग सत्र रखा है अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता के लिए, लेकिन कॉमरेड ईश्वर पोखरेल को उनका कोई दूसरा कार्यक्रम है, उनको आज ही जाना है, और इसीलिए आज का कार्यक्रम जो हमारे देश के वामपंथी साथियों के लिए था तो उसी में हमने कॉमरेड ईश्वर पोखरेल को भी शामिल कर लिया है। बाकी जो हमारे विदेशी मेहमान हैं उनका परिचय भी हम कल कराएंगे, उनको सम्मानित भी कल करेंगे और उनकी बातें भी हम कल सुनेंगे। लेकिन आज ये जो पूरे दुनिया के सामने जबरदस्त एक संकट है, पूंजीवाद एक तरफ ढह रहा है, लेकिन ये ढहते हुए पूंजीवाद ने दुनिया को ऐसा संकट में डाल दिया है जहां एक तरफ फिर से युद्ध है, फिर से आप देख रहे हैं कि फांसीवाद सिर्फ हमारे हिंदुस्तान में नहीं दुनिया के कई देशों में वो फिर से सर उठा रहा है। हम देख रहे हैं कि पर्यावरण और जलवायु का कितना बड़ा संकट है पूरी दुनिया में। तो इन तमाम संकटों से निपटने के लिए, दुनिया के प्रगतिशील ताकतों को मजबूत बनाने के लिए हर देश में लोकतंत्र को, प्रगतिशील ताकतों को, समाजवाद की दिशा को बुलंद करने के लिए हमें आने वाले दिन में और मजबूत अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता की जरूरत है, और हमारे महाधिवेशन से इस प्रतिबद्धता को हम दोहराते हैं कि हम निश्चित तौर पर अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता को भी आने वाले समय में और ज्यादा मजबूत करेंगे। साथियों, आज जब हम पटना में ये महाधिवेशन की शुरुआत कर रहे हैं, त्रिपुरा में चुनाव हो रहा है, आज 16 तारीख, हमारे भी बहुत सारे साथी आ नहीं पाए, सिर्फ दो साथी इस महाधिवेशन में शिरकत कर रहे हैं। पिछले 5 साल से त्रिपुरा के लोग झेल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हर रोज आतंक का माहौल है, विपक्ष के ऊपर हमला है, दफ्तरों पर हमला है, कहीं कोई जुलूस निकले, कहीं कोई मीटिंग हो, मीटिंग पर, जुलूस पर किसी तरह के आप मांग उठाए, अपनी आवाज बुलंद करें, लोगों पर हमला है। तो हम बिल्कुल, हमें उम्मीद है कि त्रिपुरा की जनता को अगर सच में वोट डालने का ठीक से मौका मिला तो त्रिपुरा में निश्चित तौर पर ये जो आतंक राज भारतीय जनता पार्टी का पिछले 5 साल से चल रहा है, त्रिपुरा की जनता उस पर विजय पा लेगी, छुटकारा पा लेगी। देश में मोदी सरकार, जिसको हमने एक फांसीवादी निजाम के तौर पर चिन्हित किया है, और 2014 से लगातार ये फांसीवाद का जो स्वरूप है वो हमारे सामने बिल्कुल खुल करके सामने आ रहा है। अभी इसी साल के तमाम घटनाओं को अगर हम देखें, जो अभी आपने देखा कि बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री दिखाया गुजरात पर, मोदी क्वेश्चन, 2 पार्ट में डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी, गुजरात में 2002 के जनसंहार और गुजरात के बाद 2014 में जब से गुजरात मॉडल को भारत पर थोपा गया और नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री की जगह पर भारत के प्रधानमंत्री बन गए, तब से पूरे देश में जो फांसीवाद के हमले हो रहे हैं इसी पर वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म है।